भारत मुक्ति मोर्चा, इंडियन रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स एंड सोल्जर फोर्स, भीमा कोरेगाव, 20 शताब्दी क्रांति दिन समापन वर्ष, अभिवादन महारैली का आयोजन है और इस कार्यक्रम को जो लगातार चल रहा है उसका मैं आखिरी समापन करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। तो 200 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में शेड्यूल कास्ट के लोग थे, नॉमेडिक टाइप के लोग थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, कुनबी जाति के लोग थे, मराठा जाति के लोग थे, तो ये सारे के सारे लोग थे और ये सारे लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी। सारे लोगों ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, बेशक संख्या कम थी मगर सारे लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए इसमें कामयाबी मिली। ये इस लड़ाई का सबक है कि सारे लोगों ने मिलकर, इसमें मुसलमानों की भी संख्या थी, मुसलमान भी इस लड़ाई में शामिल थे, तो इसलिए सभी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने मिलजुल कर ये लड़ाई लड़ी थी और मिलजुल कर लड़ने की वजह से हमें सफलता मिली थी। ये बात निश्चित रूप से हम लोगों को याद रखनी चाहिए। इसीलिए किसी एक जाति का ये मामला नहीं था, किसी एक जाति का आदमी उसका नेतृत्व कर रहा हो सकता है मगर फौज में लड़ने वाले जो फौजी थे वो सारे बहुजन समाज के लोग थे। इस बात को हमको खास तौर पर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए ये जो विजय स्तंभ है ये मूल निवासी बहुजन समाज के विजय का स्तंभ है और इसलिए जब 267 एकड़ जमीन दी गई थी तो उसकी निगरानी करने के लिए एक मराठा आदमी को उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लगाई गई थी। ये बात मैं आप लोगों को खास तौर पर बता रहा हूं, इस बात को हमको समझना होगा। इसमें लगभग 49 के लगभग 500 में से 49 के लगभग लोग शहीद हुए थे। इसका मतलब है 451 लोग, लड़ाई में 28,000 लोगों को परास्त करके, इस परास्त करने के लड़ाई में 49 लोग शहीद हुए थे और शहीदों की जो लिस्ट है उसमें ये सारे बहुजन समाज के लोगों के नाम है। वो रिकॉर्ड भी सारा का सारा हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है और सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो किताब प्रोफेसर विलास खरात ने लिखी 1818 का जो विजय की लड़ाई थी वो केवल शौर्य दिन नहीं था, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये केवल शौर्य दिन था। शौर्य करने के लिए, वीरता करने के लिए वो लड़ाई नहीं थी, तो पेशवा ब्राह्मणों के गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए वो लड़ाई थी। इसको समझना जरूरी है। इसलिए वो केवल शौर्य दिन नहीं था बल्कि वो मुक्ति दिन था। मुक्ति के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। इस बात को, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को भूलना ठीक बात नहीं है, क्योंकि वही बात है जिसकी वजह से बाबा साहब अंबेडकर वहां उन वीर लोगों को
जिन्होंने केवल लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि विजय हासिल की थी, मुक्ति हासिल की थी। तो इसलिए मुक्ति हासिल करने वाले जो बहुजन थे उनके गौरव का आज का दिन है, बहुजनों के गौरव का दिन है। निश्चित रूप से ये बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा। हो सकता है उनकी संख्या कम ज्यादा हो, मगर वो सारे के सारे बहुजन समाज के लोग थे, इस बात को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात हम लोगों को इसमें ध्यान रखना होगा कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई पेशवा ब्राह्मणों की गुलामी खत्म करने के लिए ये लड़ाई थी। तो ये पेशवा ब्राह्मणों की जो गुलामी है वो कैसे आई? तो पेशवा ब्राह्मणों की जो गुलामी है वो आई तो उसका कारण था, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो मूल निवासी बहुजन समाज का, साधारण लोगों का, रयत लोगों का राज स्थापित किया था, उस राज को ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके शिवाजी महाराज को जहर दे के मारा। और आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाप्रतापी पुत्र संभाजी महाराज को 45 दिन तक ब्राह्मणों ने खबर नहीं दी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु हो गया। हैरान करने वाली बात है कि शिवाजी महाराज का मृत्यु होने के 45 दिन तक संभाजी महाराज को बताया ही नहीं कि शिवाजी महाराज का मृत्यु हो गया। अगर संभाजी महाराज को मालूम होता मृत्यु हो गया, अगर मृत्यु हो गया उसी दिन मालूम होता तो वो उसी दिन निश्चित रूप से बता करते कि ऐसा कैसे हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है अभी लड़ाई करके आए थे, वो कोई बीमार नहीं थे, तो बीमारी से मर गए। और उनको प्रचार किया कि उनको घुटनों का रोग था। ये घुटने का रोग तो अटल बिहारी को भी हुआ था, वो अभी तक नहीं मरा, वो अभी भी घुटने बदल कर बदलने के लिए अमेरिका से खुराना को बुलाया। वो खुराना भी पंजाबी था, तो खुराना ने प्लास्टिक के घुटने लगाए अटल बिहारी को, मगर अटल बिहारी अभी भी जीवित है। तो शिवाजी महाराज प्रतापी महाप्रतापी हमारे शूरवीर व्यक्ति थे, महान थे, तो वो और अभी लड़ाई करके आए थे तो इससे तो मृत्यु नहीं हो सकते थे। तो षड्यंत्र करके जहर दे के मारा, जहर दे के मारा। अगर ऐसा नहीं किया होता तो संभाजी महाराज को मृत्यु के दिन ही बता देते, छुपा के रखा, क्योंकि उसको मालूम था संभाजी महाप्रतापी आदमी है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से कम नहीं है, वो महाप्रतापी है। 45 दिन के बाद जब संभाजी महाराज को पता चला तो वो फौरी तौर पर आए, पता किया किसने षड्यंत्र किया, और उतने लोगों को हाथी के पैर में दे के मारा, हाथी के पैर में दे करके उनको मरवाया। तो इतना महाप्रतापी महाराजा थे। तो फिर उस महाप्रतापी संभाजी महाराज को ब्राह्मणों ने इतिहास में प्रचार किया कि मुगलों ने, मुसलमानों ने नहीं, मुगलों ने, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को भी ये बात समझ में नहीं आती, गैर मुसलमानों को भी समझ में नहीं आती, मुगल और मुसलमानों में अंतर होता है। मुगल एक रेस है, मुगल एक वंश है, और मुसलमान उसको बोलते हैं जिसका कुरान में यकीन है, ठोस विश्वास है, उसको मुसलमान कहते हैं। तो जो मुगल है, मुगलों का सबसे बड़ा मुगल आजम जो अकबर बादशाह थे, तो उन्होंने एक धर्म चलाया था, दीने इलाही। अरे जब इस्लाम धर्म था तो दीने इलाही काय के लिए चलाया?
और अल्लोपनिषद नाम का दूसरा ग्रंथ लिखा। जब कुरान था तो अलग से अल्लोपनिषद काय के लिए लिखा? इसका मतलब है कुरान पर अकबर का ठोस विश्वास नहीं था। अगर होता तो अल्लोपनिषद काय के लिए लिखता? तो वो भी अकबर भी मोहम्मद पैगंबर की तरह धर्म संस्थापक बनना चाहते थे, मुगले आजम बनने से संतुष्ट नहीं थे। अकबर बादशाह मुगले आजम बनने से संतुष्ट नहीं थे, वो मोहम्मद पैगंबर की तरह धर्म संस्थापक बनना चाहते थे कि उनको लगा कि ये वोदा तो आजम से भी बड़ा लगता है। तो इसीलिए शायद लालच में आदमी आ जाता है। आम आदमी तो लालच में आता ही है, राजा भी लालच में आ जाता है, ये उदाहरण से तो ऐसे कहा जा सकता है। तो साथियों, तो ब्राह्मण लोग हम लोगों को ऐसा इतिहास पढ़ाते हैं कि मुगलों की और संभाजी महाराज की लड़ाई हुई और मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा। चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए बहस के लिए मान लेते हैं कि मुगलों ने, मुसलमानों ने, मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा। अगर मुगलों ने संभाजी महाराज को मारा तो फिर मुगलों का राज पुणे में आना चाहिए था, पेशवाओं का राज कैसे आया? अगर मुगलों की और संभाजी की लड़ाई थी और लड़ाई में संभाजी पराजित हो गए थे तो राज तो मुगलों को आना चाहिए था। तो राज मुगलों का नहीं आया, राज पेशवा ब्राह्मणों का आया, ये बड़ी रहस्यपूर्ण बात है। अपराध शास्त्र क्रिमिनोलॉजी में ये सारे दुनिया में इस तथ्य को और इस सत्य को माना जाता है कि जिसको फायदा होता है वो षड्यंत्र का हिस्सेदार होता है। हमारे मान साहब तो डीआईजी रहे बॉम्बे में, तो मैं मान साहब को तो नहीं बता सकता क्योंकि वो डीआईजी रहे, उनको मालूम है कि वो जो अपराध में हिस्सेदारी होता है, जिसका हिस्सा होता है उसको फायदा होता है, और जिसको फायदा होता है तो पुलिस वाले ढूंढते हैं कि इस हत्या से किसको फायदा हुआ, आज भी ढूंढते हैं। अगर उसको फायदा हुआ वो जरूर उस हत्या में सहभागी होगा, ऐसा पुलिस वाले मानते हैं आज अपराध शास्त्र में। तो ब्राह्मण लोगों ने यह प्रचार किया कि संभाजी महाराज को मुगलों ने मारा। चलो बहस करने के लिए मान लेते हैं अगर मुगलों ने मारा तो राज पूना में मुगलों का क्यों नहीं आया, पेशवाओं का क्यों आया? अगर पेशवा ब्राह्मणों का राज आया तो इसका मतलब है संभाजी महाराज को पकड़वाने में और उसकी हत्या करवाने में ब्राह्मणों का हाथ था, और इसके बख्शीश के तहत मुगलों ने उनको वो राज दिया था। इससे यह बात प्रूव होती है। ब्राह्मण प्रचार करते हैं किस बात का प्रचार करते हैं? ब्राह्मण इस बात का प्रचार करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई मुगलों में और संभाजी महाराज में हुई थी। साथियों, लड़ाई हुई होगी मगर इसमें षड्यंत्र उन लोगों का था जिनको बाद में इसका फायदा हुआ। पेशवा जो शब्द है वो पर्शियन भाषा का है, तो उसको हिंदी में प्रधानमंत्री बोलते हैं। पेशवा शब्द का पर्शियन भाषा का शब्द है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री जो है वो राजा के अधीन होता है। आश्चर्य की बात है कि संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद सातारा के गांधी में जो शिवाजी महाराज के पुत्र थे राजा राम, वो गांधी पर बैठे, तो राजा सातारा में थे और सारा का सारा राज जो है वो पूना से चलता था।
और पेशवा ब्राह्मणों ने जो राजा राजाराम थे उनको पढ़ने के भी अधिकार से वंचित किया था। इससे सिद्ध होता है कि राजा का राज नहीं था, राजा के ऊपर भी पेशवा का राज था, उसको केवल नामधारी रखा गया था। ये मैं बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये वास्तविक इतिहास जो ब्राह्मण लोगों को पढ़ाते हैं बताते हैं वो नहीं, जो वास्तविक इतिहास है वो इतिहास हमको समझना होगा। महाराष्ट्र में कुछ मराठा लोगों को ब्राह्मण लोग भ्रम में डालते हैं कि मराठा विरुद्ध महार लोगों की लड़ाई हुई थी, ऐसा भी वो बताते हैं। अब ऐसा भ्रम में जो लोग आते हैं वो भ्रम के शिकार होकर ब्राह्मणों के इशारों पर काम करते रहते हैं, मगर ये बात सही नहीं है, ये इतिहास सही नहीं है। क्योंकि वहां जो फौज थी उसका जो सेनापति था वो गोखले नाम का ब्राह्मण था, उसमें जो सेनापति था वो गोखले नाम का ब्राह्मण था, उसमें कोई मराठा नाम का आदमी सेनापति नहीं था, गोखले नाम का ब्राह्मण और वो भी पेशवा ब्राह्मण वहां का उसका सेनापति था। तो इसलिए ये बातें हम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को ये जानकारी हो जाए कि ये लड़ाई महार वर्सेस मराठा लोगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसमें मराठा लोग भी शामिल थे। और जब विजय हासिल हुआ, विजय स्तंभ बनाया गया, तो उस विजय की गाथा का निरंतर उस गाथा का विजय की विजय स्तंभ का या उस घटना का निरंतर गौरव बढ़ता रहे। जो सनद अंग्रेजों ने 267 एकड़ जमीन दिया, तो अंग्रेजों ने लिखा कि वो जो घटना है उस घटना का गौरव कम होने की बजाय लगातार बढ़ता रहे, लगातार बढ़ता रहे। तो ये लगातार बढ़ाने के लिए ये जमीन उनको बख्शिश के तौर पर दी जाती है, ऐसा अंग्रेजों ने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है। और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी एक मराठा आदमी की लगाई गई थी, वो भी सारा का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस बात को हमको सही तरीके से समझना जरूरी है, क्योंकि जब ये जो पेशवा ब्राह्मण थे तो वो जब प्रचार करते, पानीपत में ये हार गए थे, पेशवा ब्राह्मण जो है ये पानीपत में हार गए थे, तो वो इतिहास में ऐसा लिखते हैं कि पानीपत में मराठा लोगों की हार हुई, मगर झंडे जो है वो पेशवा लोगों ने वहां तक फड़काए। क्यों पटेल साहब? अटके पार, अटक नाम का कोई गांव हो रहा होगा, कोई सेंटर रहा होगा, हो सकता है पाकिस्तान में हो, तो वहां तक झंडे फड़काने का काम पेशवाओं ने किया, ऐसा लिखते हैं इतिहास लिखते वक्त। मगर जब पराजय का नाम आता है तो पेशवाओं का पानीपत में पराजय हुआ, ऐसा नहीं कहते। पराजय का लिखिए इतिहास लिखते हैं कि पराजय मराठा लोगों का हुआ और झंडे पेशवाओं ने फड़काए, गौरव की बात पेशवाओं के नाम पर लिखते हैं और पराजय जो है वो मराठा लोगों के नाम पर लिखते हैं, वहां वो श्रेय लेने की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो ये बातें मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो इस बहाने से इस तरह का झूठा प्रोपोगंडा करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर सबसे पहले यहां 1927 को आए थे, 1927 को आकर वहां यहां से उन्होंने प्रेरणा ली और 1927 से उन्होंने आंदोलन शुरू किया। चौदार तालाब का जो सत्याग्रह है, यहां हमारे टिप्पणी साहब है, उनके पिता और उनके खानदान के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को जो कायस्थ थे उन लोगों ने उनका साथ सहयोग किया था, वो यहां है आज कार्यक्रम में। तो इस तरह से
ये लड़ाई की बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को जो झूठी बातें बताई जाती है, झूठी बातों का प्रोपोगंडा किया जाता है, उसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो, इसलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूं। अब वो 263 एकड़ जो जगह है, वो जगह अभी कहां गई है इसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, और इन्हीं लोगों ने वो गायब की हो सकती है। तो वो मुद्दा भी मैं लास्ट में आप लोगों के सामने उठाना चाहूंगा। साथियों, तो ये जो हमारे सामने विजय स्तंभ का मामला है, तो बाबा साहब अंबेडकर हर साल यहां आते थे और जब तक उनका मृत्यु नहीं हुआ तब तक वो लगातार आते रहे, और आने के बाद बीच के पीरियड में बाबा साहब अंबेडकर के मृत्यु के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप थी वो यहां नहीं आई। मैं ये बात भी थोड़ा सा रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि वो लोग नहीं आते थे जब 72 के बाद काशीराम जी ने बामसिप नाम का संगठन बनाया। वो तो पंजाब के रहने वाले थे, उनको यहां की बहुत सारे इतिहास की जानकारी नहीं थी, मगर जब वो इधर उधर घूमते थे, जानकारी लेने की कोशिश करते थे, तो जानकारी लेते लेते उनको ये जानकारी मिली कि यहां भी एक इतिहास है, भीमा कोरेगांव में एक इतिहास है। जब उनको ये जानकारी मिली कि बाबा साहब अंबेडकर हर साल यहां आते थे, तो फिर काशीराम जी ने वहां आना शुरू कर दिया। जब काशीराम जी ने वहां आना शुरू कर दिया तो फिर काशीराम जी के साथ साथ वामसेव के लोग आना शुरू हो गए। जो प्रथा बाबा साहब अंबेडकर ने, जो परंपरा बाबा साहब अंबेडकर ने शुरू की थी, वो परंपरा खंडित हो गई थी। वो परंपरा को फिर शुरू किया काशीराम जी ने। मैं इस बात को भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं, उस परंपरा को काशीराम जी ने शुरू किया, उस परंपरा को काशीराम जी ने शुरू किया। फिर काशीराम जी का जो विरासत है बहन जी के पास आई, फिर आरपीआई के नेताओं की तरह बहन जी ने भी उसमें फिर उस परंपरा को कुछ देर के लिए फिर रुकावट पैदा हुई, और जब रुकावट पैदा हुई हम लोगों को पता हुआ, हम लोगों को जब पता हुआ तो फिर हमने सोचा अब काशीराम जी के समय में 50 लोग जाते थे, मैंने कहा ये इससे काम नहीं चलेगा, ये कई हजार लोग जो हैं जाने चाहिए। तो पिछले साल हम कई हजार लोग यहाँ इकट्ठा हुए और फिर वहां हमने ये ऐलान किया कि इस घटना की जानकारी दो चार लोगों को नहीं होनी चाहिए, सारे देश के लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, हमारे सारे देश के लोगों के लिए, जो लोग वो लड़ाई लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, इसलिए सारे देश के लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हमने 51,000 मीटिंगों का सारे देश भर में आयोजन किया और लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। तो आप लोगों को खुशी होगी कि आज के इस कार्यक्रम में सारे देश भर से लोग आए, बंगाल से भी लोग आए, आसाम से भी लोग आए। आप लोगों को हैरानी होगी इस बात की और खुशी भी होगी कि यहां से सारे देश भर से लोग आए हुए हैं। तो इसलिए सारे देश के लोगों को अब ये गर्व और गौरव का विषय लगता है, क्योंकि हम सब लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि लड़ाई तो तभी होती है जब हाथ में तलवार होती है, ये सोचना गलत बात है। जब आप पुलिस स्टेशन में किसी कार्यक्रम की अनुमति मांगने के लिए जाते हो और पुलिस का क्लास 3 पोस्ट का आदमी जो है, इंस्पेक्टर जो है, वो आपको कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार कर देता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। तो लड़ाई कहां से शुरू होती है वो भी थोड़ा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। लड़ाई केवल हाथ में तलवार लेने से नहीं होती, पुलिस स्टेशन में जाकर आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो फंडामेंटल राइट जिसको रोकने का सुप्रीम कोर्ट को भी पावर नहीं है,
वो साधारण जो अर्दली है पुलिस स्टेशन का, चौकी का जो इंस्पेक्टर है, वो भी हमें कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए विरोध करता है। और जब विरोध करता है तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है, और विरोध करता है तो लड़ाई हमारे लोग को लड़नी पड़ती है, लड़ते हैं, और फिर लड़ने वाले लोगों को अनुमति मिलती है, और कहीं कहीं लड़ने के बाद भी नहीं मिलती है। तो लड़ने के बाद भी नहीं मिलती है तो भी हम लोग बगैर अनुमति के कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि यह भी एक लड़ाई होती है। गुजरात में कलोल में बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन था, पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, नहीं दिया तो लोग निराश होकर आ गए। तो लोगों को, कार्यकर्ताओं को मैंने कहा, क्यों निराश होते हो, सरकार ने तुमको परमिशन नहीं दिया, मैं परमिशन दे देता हूं, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे ऐसे ही मत समझना। वामन मेश्राम केवल वामन मेश्राम नहीं है, वामन मेश्राम एक ताकत है। तो इसलिए तो मैं आप लोगों को अनुमति देता हूं, देखो मैं कैसे अनुमति देता हूं, आपको करके दिखाता हूं। मैंने कहा बगैर परमिशन से चलो कार्यक्रम करते हैं, तो मैं सबसे आगे हो गया, मैंने कहा पीछे रहो। तो बीच बीच में मैं देखता रहूंगा कि तुम वास्तव में पीछे हो या नहीं हो, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा कहते रहते कि वामन मेश्राम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे है। तो इसलिए मैं टेस्ट करते रहता हूं कि वास्तव में पीछे है या नहीं, कि मुझे अकेले को ही बलि का बकरा तो नहीं बना रहे हैं। खबरदारी लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे लोग कोई साधारण लोग थोड़ी है, तो महान लोग हैं, तो इसीलिए तो कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसलिए तो हम लोग गए वहां, और 50-60 लोग पुलिस वाले भी वहां खड़े थे, तो हमने सारा ढोल धमाका करके कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करके पुलिस वाले के सामने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम करके दिखाया, मंच पे उठा और सीधा एयरपोर्ट गया। एयरपोर्ट जाने के बाद अहमदाबाद से दिल्ली आया, दिल्ली से पटना आया, पटना में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वहां टीवी पर जाकर कहा कि बीजेपी को हरवाओ, ये लोगों ने गुजरात में बाबा साहब अंबेडकर का जन्मदिन मनाने के लिए अनुमति नहीं, इनको हरवाओ। तो बीजेपी का जो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था, तो उसको जैन टीवी का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, उसने रात के 11 बजे पूछा कि ये वामन मेश्राम बीजेपी को हरवाओ ऐसा कह रहा है सारे बिहार में, तो इसका कोई बीजेपी पर निगेटिव असर पड़ेगा क्या? कहा जरूर पड़ेगा। ठीक, कैसे पड़ेगा? कहा कि इनका ज्यादा वोट तो नहीं है, मगर 2000-4000, कहीं कहीं 8000-10000 है, तो आजकल हमारी टसल जो है 2-3000 में ही होने वाली है, तो इनका जरूर असर पड़ेगा। और इतना असर पड़ा, इतना असर पड़ा कि लालू और नीतीश ने भी नहीं सोचा था इतना ज्यादा सीटें वो जीत कर चले गए। तो तब उनको पता चला कि वामन मेश्राम की उपयोगिता मूल्य कम है, उपद्रव मूल्य ज्यादा है। वामन मेश्राम की उपयोगिता मूल्य कम है, क्योंकि अभी वो सीटें जीतवाने की स्थिति में नहीं है, मगर हरवाने की स्थिति में है। तो इसलिए हरवाने की भी ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए अभी मेरा नंबर काउंटिंग में आ गया है। अभी बीएमपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ना कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो वो इसी वजह से कि मेरा उपद्रव मूल्य है अभी, और जैसे जैसे अभी साल बढ़ेगा वो बढ़ता ही रहेगा, घटेगा नहीं। और 2024 तक उपयोगिता मूल्य में भी हम लोग रूपांतरित हो जाएंगे, मेरा यकीन है, विश्वास है, पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूं। दूसरी बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जिंदाबाद के साथ साथ थोड़ा सुनने का भी थोड़ा धीर रखो, क्योंकि जिंदाबाद से मुझे खुशी नहीं होती है, जब हम वास्तविक रूप से विजयी हो जाएंगे तब जिंदाबाद अपने आप हो जाएगा, आपके कहने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं उसकी राह देख रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, तो आप लोगों को लगता होगा वामन मेश्राम जिंदाबाद से खुश हो जाएगा, ये जिंदाबाद से खुश होने वाला नहीं हूं, विजय से खुश होने वाला हूं, केवल जिंदाबाद से नहीं। तो मैं तो इसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं कि हमारे लोग, हमारी कौम
विजयी हो जाए, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे और पेशेंस से हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए साथियों, तो ये बातें जो उदाहरण के लिए मैंने बिहार का उदाहरण आपको बताया, तो ये हम लोग कई जगह आने वाले समय में और हम अपनी रणनीति को आने वाले समय में और ज्यादा धारदार बनाने वाले हैं। साथियों, कुछ लोग ये भी कहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर ये बात कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर ये जो विजय दिन विजय स्तंभ के पास वो आए थे, उन्होंने उस समय भाषण दिया था और भाषण में उन्होंने कहा था कि ये कोई गौरव की बात नहीं है कि हमने अंग्रेजों का साथ दिया था। मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि रायनाक और सिद्धनाक को जो हमारे योद्धा थे, उसको अंग्रेज जो कमांडर था उसने कहा था कि उनके पास 30,000 लोगों की फौज है, सरेंडर कर लेते। अंग्रेज जो कमांडर था उसने हमारे 500 लोगों को कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा फौज है और हम लोग निश्चित रूप से हारने वाले हैं, तो हम ऐसा करते, सरेंडर कर लेते। तो जो रायनाक सिद्धनाक थे, क्योंकि उनके तो जीवन का लक्ष्य था, उनको केवल शौर्य दिखाना नहीं था, उनको केवल लड़ाई नहीं लड़ना था, उनके सामने तो एक लक्ष्य था कि पेशवा ब्राह्मणों की पेशवाई को खत्म करना है। तो 500 लोगों ने और उनके योद्धाओं ने उनको कहा कि मरेंगे मगर यहां से वापस नहीं जाएगी, लड़ाई होगी। और केवल 500 में से 49 लोग मरे, और रायनाक और सिद्धनाक जो योद्धा हैं उस लड़ाई में थे, है ऐसा मालूम हुआ पेशवाओं के फौज को, तो 2,000 फौज उनका नाम सुनकर भाग गई। रिकॉर्डेड बातें बता रहा हूं। जो 30,000 फौज थी उसमें से 2,000 जो फौज है वो रायनाक और सिद्धनाक वहां है, तो उन्होंने सोचा फिर तो मरना तय है तो अपना मरना तय है। मालूम था कि वो कितने ज्यादा बहादुर और कितने ज्यादा योद्धा थे। जैसे सिखों के इतिहास में नलुवा का रेफरेंस आता है, हरि सिंह नलुवा का रेफरेंस आता है। गब्बर सिंह जो एक फिल्म बनी थी उसमें तो केवल डायलॉग है कि दूर दूर जो है माए कहती है कि चुप हो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाए, तो डायलॉग था, ये तो केवल डायलॉग था, सच्चाई नहीं थी। सच्चाई तो रायनाक और सिद्धनाक की थी कि ये आएंगे तो फिर तो मरना तय है। उसी तरह से हरि सिंह नलुवा, सिखों के इतिहास में हरि सिंह नलुवा का नाम है, और वो नाम भी कि वो वहां योद्धा है, सेनापति है, अगर उसका नाम वहां जुड़ जाता था तो लोग जो है उनको मालूम हो जाता अभी इसमें जीतना संभव नहीं है, अब वही जीतेगा, उसका इतिहास था। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो इसलिए अभी हम लोग जो है ये इसलिए ये गाथाएं आप लोगों को बता रहे हैं, विजय गाथाएं, क्योंकि ये बात हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है कि 30,000 थे तो लड़ाई 28,000 से क्यों हुई, 30,000 से होनी चाहिए थी, तो 2,000 भाग गए इसलिए 28 रह गए, तो 28 के साथ लड़ाई हुई और उसमें केवल 49 लोग मारे गए, हमारे शहीद हो गए और बाकी उन लोगों को उन्होंने परास्त किया। तो ब्राह्मण उस समय पेशवा जो है नातू नाम का पेशवा था, तो वहां उसको खबर मिली पूना में 22 किलोमीटर दूर शनवारवाड़ा में खबर मिली उसको कि हम लोग हार गए हैं और अंग्रेज जो है ये 500 लोगों की बहुजनों की फौज लेके आ रहा है, 500 ऐसी उसको खबर मिली। तो उसने ये लोग पहुंचने के पहले ही उनका भगवा झंडा नीचे उतारा और अंग्रेजों का यूनियन जैक अपने हाथों से भड़का दिया। अंग्रेज आए ही नहीं था उसके पहले ही भड़का दिया। तो ब्राह्मण जो है मौसम विज्ञानी भी होते हैं कि अब मौसम जो है पेशवाओं का नहीं है, अब
अंग्रेजों का मौसम आ गया है, तो वो उसके पहले ही झंडा उन्होंने अंग्रेजों का फड़का दिया। तो ये जो बातें हैं, ये बातें हम लोगों को प्रेरणा के लिए, क्योंकि मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए प्रेरणाएं बहुत ज्यादा जरूरी होती है। केवल शारीरिक शक्ति से आदमी नहीं लड़ सकता, प्रेरणा होनी चाहिए। और वो प्रेरणाएं जो है प्रेरक गाथाओं से, प्रेरक कथाओं से, प्रेरक इतिहास से मिलती है। वो बात हम लोगों को समझने की आवश्यकता होती है, तो इसलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, तो ये जो बाबा साहब अंबेडकर यहां बाबा, वो हमको बताते ब्राह्मण लोग किए, बाबा साहब अंबेडकर ने इसको गौरव नहीं कहा था। एक सेंटेंस बाबा साहब अंबेडकर का बताते हैं, मगर आगे उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई वो लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर क्यों लड़े। तो अंग्रेजों के साथ मिलकर इसलिए लड़े क्योंकि वो अंग्रेजों को जिताना नहीं चाहते थे, पेशवाओं को परास्त करना चाहते थे। पेशवाओं का पराजय होगा तो इन लोगों की गुलामी खत्म होगी, इसलिए ये दिन जो है ये केवल शौर्य दिन नहीं है, पेशवाओं के गुलामी से आजादी हासिल करने का मुक्ति दिन है। केवल शौर्य दिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, तो ये हमारे लोगों ने जो मुक्ति हासिल की थी, आजादी हासिल की थी, वो आज दोबारा देश में जो महाराष्ट्र में पेशवाई थी वो देशव्यापी हो गई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री फडणवीस, तो महाराष्ट्र के पेशवा राज में भी एक फडणवीस नाम का ब्राह्मण राज करने वाला, लोग उसको बोलते थे दीड़शाहना। क्या बोलते थे? हाँ, मतलब एक और फिर आधा, उसको डेढ़ बोलते। तो ये जो आदमी था फडणवीस, उसको लोग बोलते थे ये डेढ़ शाहना है। तो उसमें एक फडणवीस नाम आता है। तो ये जो अभी फडणवीस मुख्यमंत्री है, ये फडणवीस जो है वो वही लोग है, उसको हमको समझना होगा। तो महाराष्ट्र में राज आ गया। पेशवाओं का जो राज था वो छह जिलों में था। पेशवाओं का राज 35 जिलों में नहीं था, पेशवाओं का राज 6 जिलों में था, मगर अभी फडणवीस का राज 35 जिलों में है। और दूसरा, पेशवाओं का राज जो है अभी सारे देश भर में है, केवल बीजेपी का राज आया इसलिए पेशवाओं का राज आया ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो 15 अगस्त 1947 से ही ब्राह्मणों का जो राज है वो राज पेशवाओं का ही राज है, क्योंकि अंग्रेजों के समय में जब ये लोग विजयी हुए उसमें 90% के आसपास महार जाति के लोग थे। तो इसलिए अंग्रेजों ने उन बातों को ध्यान में रखते हुए महार रेजिमेंट नाम की एक रेजिमेंट बनाई, इस घटना के बाद बनाई, महार रेजिमेंट बनाई उन्होंने। अभी वो महार रेजिमेंट अभी भी है, मगर एक परिवर्तन आ गया। नेहरू की सरकार बनने के बाद, अंग्रेजों की सरकार चली गई, नेहरू की सरकार आई, नेहरू ने क्या किया, महार रेजिमेंट जो नाम है बरकरार रखा, उसमें महारों की भर्ती बंद कर दिया। खास बात जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं, उसमें महार लोगों की भर्ती होती थी 100% उनके नाम पर। जैसे राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, लिंगायत रेजिमेंट है, तो जिसके नाम से रेजिमेंट होती थी, जैसे जाट रेजिमेंट है, तो 100% उन लोगों की भर्ती होती थी अंग्रेजों के समय में। तो अभी उन्होंने रेजिमेंट नाम रखा है ब्राह्मणों ने, मगर उसमें भर्ती जो महारों की करते थे वो बंद कर दिया। तो ये बहुत अहम जानकारी है, इसको समझना हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे अंदर लड़ने का जो जज्बा है वो कोई खत्म थोड़ी हुआ है। तो लड़ने का जज्बा तो है, मगर फौज में अभी हमारे लोगों को भर्ती करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, भर्ती नहीं किया जाता है, और अगर किया जाता है तो नामधारी किया जाता है। कुछ
दिखाने के लिए किया जाता है, ये केवल दिखावा करने के लिए। तो आज जो है जीती हुई बाजी उनके फेवर में पलट गई है, ऐसे कैसे हुआ इसको जानना होगा ना। कम से कम लोग अगर इस परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो हमारे दुश्मनों ने इस बाजी को, हमारी जीती हुई बाजी को कैसे पलटी किया, इसको समझना होगा। ये विजयी दोबारा विजय हासिल करने में कैसे कामयाब हो गए, तो वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको समझाना चाहता हूं कि ये बाजी जीतवाने में, बाजी पलटी करवाने में वो लोग कामयाब क्यों हुए, तो उसके दो कारण हैं। एक कारण है पेशवा ये जो है दोबारा आई देश में और राज्य में, उसके दो प्रमुख कारण है। पहला कारण है गांधी, क्योंकि ये रिकॉर्ड किया जाना, आज के हिस्टोरिकल मौके पर मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता हूं कि पहला कारण गांधी है। और गांधी ने पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोप दिया। तो जब पूना पैक्ट हमारे लोगों पर थोपा तो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट गांधी ने उपवास करके हमारे लोगों पर थोपा। तो अगर पूना पैक्ट लागू नहीं हुआ होता तो क्या होता, तो हमारे जो लोग हैं वो सही और सच्चे नुमाइंदे लड़ाकू लोग संसद में और विधिमंडल में चुनकर जाते। तो जब पूना पैक्ट हुआ तो पूना पैक्ट होने के बाद ज्वाइंट इलेक्टेड आ गया, और ब्राह्मणों को और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, नॉमिनेटेड शेड्यूल कास्ट के लोगों को जितवाने के लिए मौका मिला। जो उनके नामधारी लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के जो नामधारी लोग होते हैं, नाम के लिए होते हैं, वो हमारा नाम लेते हैं शेड्यूल कास्ट के है, मगर बाप वो है, वो लोग उनको नॉमिनेट करते हैं, तो नामधारी होते हैं और उनको वो चुनवा कर लाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि सही और सच्चे नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव चुनने के अधिकार से पूना पैक्ट ने हमें वंचित कर दिया। लाखों लोग चुनकर जाने से, लड़ाकू लोगों के चुनकर जाने से खत्म हो गया, उनका चुनाव खत्म हो गया। और दलाल और भड़ुए लोग, ये बाबा साहब अंबेडकर का शब्द है, मेरा नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर ने ये शब्द, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल्स, गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल्स, स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये जो तीन किताब लिखे उसमें लिखित रूप से लिखा हुआ है। उन्होंने अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदू, स्टूज का मतलब है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू, औजार यानी ब्राह्मणों के हाथ में खेलने वाला औजार, टूल ऑफ द कास्ट हिंदू। उसके बाद में तीसरा शब्द है एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदू। एजेंट का शुद्ध हिंदी में अर्थ होता है मध्यस्थ, और देशी हिंदी में अर्थ होता है दलाल और भड़ुआ। मैं दोनों अर्थ इसलिए बता रहा हूं कि जो आपको उपयुक्त लगे ले लेना, क्योंकि हर एक को एक ही शब्द उपयुक्त होगा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए ये सारे शब्द अंग्रेजी में बाबा साहब अंबेडकर ने यूज किए, जो मैं आपको केवल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग लड़ाई संसद के अंदर, क्योंकि अभी परिस्थिति बदल गई, लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र में चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चलती है। लोकतंत्र में जो लड़ाई लड़ने वाले सरदार होते हैं उनको हम एमएलए और एमपी कहते हैं। परिस्थितियां बदल गई, नाम बदल जाते हैं, हथियार बदल जाते हैं, पहले चाकू छुरी बंदूक गोली होती थी, अभी वोट का अधिकार है। तो वोट के अधिकार के द्वारा हम अपने सरदार, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजते हैं और वो लड़ाई संसद के अंदर विधि मंडल में लड़ाई लड़ते हैं। तो वो जो लड़ने वाले लोग थे
वो सही और सच्चे लोग नुमाइंदे चुनकर जाने की जो मेथड बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी उसके विरोध में गांधी ने आमरण अनशन किया और ज्वाइंट लोकटेट लागू किया और फिर हमारे नामधारी लोग चुनकर भेजने का अधिकार, शेड्यूल कास्ट के नामधारी लोगों के चुनने का अधिकार ब्राह्मणों को मिला क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मणों की थी, तो ब्राह्मणों ने फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों को नॉमिनेट किया। जब यह पुना पैक्ट लागू हो रहा था तो यह शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों को लागू नहीं था। सालखन जी, ये पुना पैक्ट आदिवासियों को लागू नहीं था, ये केवल शेड्यूल कास्ट के लिए था। मगर जब आदिवासियों को पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची संविधान में लागू कर दी, जिसके अनुसार आदिवासी अपने इलाके का राजा बनने वाला था, पांचवी और छठी अनुसूची के अनुसार पार्लियामेंट कितना बड़ा अधिकार है, ये कि पार्लियामेंट को हमारे संविधान में कहा जाता है सॉवरेन, सार्वभौम, यानी उसके ऊपर कोई किसी की पावर नहीं। तो आदिवासियों को जो पांचवी और छठी अनुसूची बहाल की गई तो पांचवी और छठी अनुसूची संविधान के अंदर एक संविधान है। पांचवी और छठी अनुसूची जो है यह संविधान के अंदर एक संविधान है जो केवल आदिवासियों के लिए बनाया गया और उसके तहत आदिवासी अपने इलाके का राजा होगा। यह पांचवी छठी अनुसूची ने बना दिया। जब पांचवी और छठी अनुसूची ने आदिवासियों को राजा बना दिया तो ब्राह्मणों को लगा दूसरे लोग 20-25 साल बाद ये देखेंगे कि आदिवासी लोगों को राजा बनने का अधिकार मिला, यही तरीका अगर हमको भी लागू हो जाए तो हमको भी राजा बनने का अधिकार मिलेगा। इसलिए ब्राह्मणों ने जैसे ही ये प्रावधान बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा आदिवासियों को बहाल किया, पार्टीशन हुआ 14 अगस्त 1947 को, जो मेन अपोजिशन पार्टी थी मुस्लिम लीग वो पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद में गांधी और नेहरू ने, कांग्रेस के नेताओं ने आदिवासियों को पूना पैक्ट लागू कर दिया। आदिवासियों को पूना पैक्ट लागू नहीं था। 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट में शेड्यूल कास्ट थे, शेड्यूल ट्राइब नहीं थे। मगर शेड्यूल ट्राइब को पूना पैक्ट पांचवी और छठी अनुसूची ने राजा बना दिया। अब राजा से इनको वंचित करना है, शक्ति से, ताकत से, पावर से इनको वंचित करना है। इसलिए ब्राह्मणों ने प्लान बनाया, कांग्रेस के नेताओं ने प्लान बनाया कैसे किया जाए। तो यदि शेड्यूल कास्ट को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और पूना पैक्ट आदिवासियों को लागू कर दिया जाए तो क्या होगा, तो आदिवासियों के शेड्यूल ट्राइब के जो एमएलए एमपी है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो नॉमिनेटेड हो जाएंगे ब्राह्मणों के। और अगर वो ब्राह्मणों के नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए, वही लोग आदिवासी सलाहकार समिति में जाएंगे। सालखन जी मेरी बात समझ रहे हैं ना, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, क्योंकि हमें ये जो पेशवाओं का राज हमारे लोगों ने खत्म किया था तो पेशवा सफल कैसे हुए इसका रहस्य हम लोगों को मालूम होना चाहिए। आज का मौका है, आज क्या मौका है तो मैं थोड़ा समय लेके आपको समझा रहा हूं, आपको मालूम होना चाहिए और हमें क्या करना होगा। ये मालूम होगा तो फिर समझ में आ जाएगा क्या करना होगा। तो इसलिए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन का अधिकार आदिवासियों को बहाल किया। कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, जैसे बाबा साहब अंबेडकर ने रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मांगा, उसके लिए आंदोलन किया, आदिवासियों ने हम लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए इसके लिए किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि उनका आंदोलन तो पांचवी और छठी अनुसूची हासिल करके सफल हो गया।
वो जो अधिकार हासिल किया गया था उसको सेबोटेज करने के लिए नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आदिवासियों में लागू किया गया और पुनः पैक्ट की मांग आदिवासियों को लागू किया जाए ऐसी मांग आदिवासी नेताओं ने नहीं की, ना करने के बावजूद भी पुनः पैक्ट आदिवासियों को लागू कर दिया गया। लागू करने से क्या हुआ, आदिवासियों के एमएलए और एमपी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जब हम लोगों ने आदिवासी इलाके में पांचवी और छठी अनुसूची का प्रचार शुरू कर दिया तो आदिवासियों के जो एमएलए एमपी थे, मंत्री थे, वो हमारे लोगों को पूछते थे कि पांचवी छठी अनुसूची क्या है, आप पता नहीं ये वामन मेश्राम क्या क्या लाते रहता है। तो आदिवासियों के जो इलेक्टेड एमएलए एमपी और मंत्री थे उनको भी पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, क्योंकि जानकारी कौन देगा, उनकी पार्टी, उनकी पार्टी तो उनको गुलाम बना के रखना चाहती, तो जानकारी क्यों देती। जब हमने अभियान शुरू किया तो आपको सुनकर हैरानी होगी, के आर नारायणन राष्ट्रपति थे, तो के आर नारायणन ने अलेक्जेंडर के नेतृत्व में, वो एक गवर्नर था महाराष्ट्र का अलेक्जेंडर, उसके नेतृत्व में गवर्नर लोगों की कमेटी बनाई, गवर्नर लोगों की कमेटी बनाई और पांचवी और छठी अनुसूची पर क्या पॉलिसी सरकार को करनी चाहिए उसके लिए एक गवर्नर जो है हमको सलाह दे। वो रिपोर्ट हम लोगों ने जब अभियान शुरू किया उसके बाद में उन्होंने इस बात को करने की कोशिश की, मगर वो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। मगर मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर हमारी संख्या ज्यादा है एससी एसटी की, 22.5% हो गया, 22.5% लोगों का नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव हो गया, 52% ओबीसी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू नहीं है। तो 52% ओबीसी के लिए क्या हुआ, 52% ओबीसी के लिए ब्राह्मणों की जो पार्टियां है, तीन बड़ी पार्टियां है नेशनल लेवल की, चार बड़ी पार्टियां है नेशनल लेवल की, अभी पांच हो गई है, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस, ये पांच नेशनल लेवल की पार्टियां है। तो उनकी पॉलिसी क्या है, पार्टी लेवल पर उन्होंने पॉलिसी बनाई कि ओबीसी को नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया पार्टी के लेवल पर, पार्टी के लेवल पर उनको नॉमिनेट किया जाए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आर्टिकल 330 और 332 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन आए लोकसभा विधानसभा में, ये संविधान में प्रावधान है। ओबीसी के लिए संविधान में पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो ब्राह्मणों की है उन्होंने पार्टी लेवल पर ओबीसी को एडॉप्ट करने का और एडॉप्ट करके उनको नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन देने का सिलसिला शुरू किया। यह सिलसिला मंडल कमीशन लागू होने के बाद ज्यादा हुआ, ज्यादा स्टेट के चीफ मिनिस्टर ओबीसी हुए। जब 2010 का समय आया था तो 8.5 मुख्यमंत्री ओबीसी थे। आप सोचते होंगे भाई ये आप या तो 8 कहो या तो 9 कहो, ये 8.5 क्यों कह रहे हो, क्योंकि जो आधा था वो डेप्टी सीएम था, तो आधा ही होगा ना, डेप्टी था, पूरा सीएम नहीं था, डेप्यूटी था, तो इसलिए वो आधा था तो इसलिए मैं 8.5 की गिनती कर रहा हूं। तो 8.5 मुख्यमंत्री ओबीसी के हुए। ये मंडल पोस्ट मंडल का डेवलपमेंट है ताकि इमर्जेंस ऑफ ओबीसी लीडरशिप जो है उसको खत्म किया जाए और उसके जगह नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव जो है ओबीसी का नॉमिनेट किया जाए। ये सिस्टम कांग्रेस ने लागू किया, ये सिस्टम बीजेपी ने लागू किया, ये सिस्टम कम्युनिस्टों ने लागू किया, और कम्युनिस्टों ने अच्युतानंदन जो केरला का है वो ओबीसी का आदमी, उसको चीफ मिनिस्टर बनाया। केवल कांग्रेस और बीजेपी ने नहीं किया, कम्युनिस्टों ने भी उस बात को, उस स्थिति को, उस परिस्थिति को उन्होंने फॉलो किया, लागू किया उस पॉलिसी को।
इससे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो काउंटर स्ट्रेटेजी है उन्होंने की, पार्टी के लेवल पर ओबीसी को नॉमिनेट किया। मैं पार्टी के लेवल पर ओबीसी को नॉमिनेट किया, ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो आपको सबूत देता हूं, 2011 में ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मामला आया तो किसी चीफ मिनिस्टर ने प्लानिंग कमीशन को कोई डिमांड नहीं की, सेंसस कमीशन को कोई डिमांड नहीं की, मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, अपने मंत्रिमंडल में किसी ओबीसी चीफ मिनिस्टर ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया कागज में। कागज में कम से कम रेजोल्यूशन तो पास करते कि हमारा मंत्रिमंडल ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के लिए प्रधानमंत्री को मांग करता है, ऐसा रेजोल्यूशन कागज में भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया। जब ये मुख्यमंत्री थे, ओबीसी के लोग संकट काल में थे, संकट काल में होने के बावजूद भी किसी मुख्यमंत्री ने कागज में रेजोल्यूशन तक पास नहीं किया, अखबार में बयान तक नहीं दिया। नीतीश कुमार ने एक बार बयान दिया और एक बार बयान देने के बाद में दोबारा चुप हो गया। इसका एक मीनिंग होता है कि कोई पूछे तो बधाई, मैंने तो बयान तो दिया था, अब वो नहीं माना मैं क्या करूं, मतलब बयान दे करके औपचारिकता पूरी कर दी, क्योंकि वो फुल प्रूफ ओबीसी का चीफ मिनिस्टर नहीं था, वो बीजेपी के समर्थन पर था। तो ये इसका मतलब है कि पूना पैक को उन्होंने पार्टी लेवल पर ऐसे घुमाकर पार्टी लेवल पर ओबीसी को लागू किया, तो 52% के लोगों को भी रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया, शेड्यूल कास्ट को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया, शेड्यूल ट्राइब को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया, ओबीसी को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित किया, एससी एसटी ओबीसी 74.5% प्रजा को रियल रिप्रेजेंटेशन के अधिकार से वंचित कर दिया। अब रही थी माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान की क्या स्थिति है? मुसलमान का 40 साल से एक आदमी रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ है, कांग्रेस ने बनाया है, उसका नाम है गुलाम नबी आजाद। वो गुलाम भी है आजाद भी है, मतलब दोनों एक साथ है, गुलाम नबी आजाद, गुलाम भी आजाद भी। तो गुलाम नबी आजाद को मैंने मुसलमानों के मसाइल पर कभी बोलते हुए नहीं सुना। मैंने आज तक गुलाम नबी आजाद को मुसलमान की समस्याओं पर बोलते हुए कभी भी नहीं सुना। तो ना बोलने वाला आदमी मुसलमानों का नेता कांग्रेस ने बनाया, एक बीजेपी में है किशनगंज का, बिहार का सैयद, वो बीजेपी में है शहनाज हुसैन, वो जब आरएसएस पर विश्व हिंदू परिषद पर कोई मामला करता है, हल्ला करता है, तो बीजेपी वाले उसको सामने कर देते थे और वो अपना टीवी पे आते, बीजेपी का विश्व हिंदू परिषद का अपना उसका डिफेंस करने का काम करने के लिए भेजते, मुसलमान का डिफेंस करने के लिए नहीं भेजते या मुसलमान की हक की बात करने के लिए नहीं भेजते। तो इस तरह से मुसलमानों को भी नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब रहता है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हो गया, अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हो गया तो अब कौन बच गया? अब बच गया क्षत्रिय और वैश्य। तो इसके बारे में एक खास बात आपको बताना चाहता हूं कि क्षत्रियों की संख्या 6% और 5.5% संख्या वैश्यों की और 3.5% संख्या ब्राह्मणों की, तो टोटल संख्या होगी 15%। तो 3.5% जो ब्राह्मण है उनकी पार्टियां 5 है नेशनल लेवल की, मगर 6% संख्या जिन क्षत्रियों की है उनकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। उत्तर प्रदेश में अमर सिंह ने रीजनल लेवल की पार्टी बनाने की कोशिश की, अमर सिंह ने, मगर वो आदमी अमर हो गया मगर पार्टी नहीं बना पाए। तो 6% क्षत्रियों की एक भी पार्टी नहीं है, 5.5% वैश्यों की एक भी पार्टी नहीं है। अभी कह सकते केजरीवाल लाला केजरीवाल की है,
तो अब वो लाला केजरीवाल ने पार्टी बनाया तो लगभग 3-4 ब्राह्मणों ने अभी तक उसके खिलाफ विद्रोह किया। जो भी विद्रोह हो रहा है केजरीवाल के विरोध में वो ब्राह्मण कर रहे। आप लोग इसको जाति की लड़ाई उनके बीच में टसल चल रही है ब्राह्मण और वैश्यों के बीच में आप समझ नहीं रहे इस बात को, मगर वो टसल है रियल सेंस में है। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है केवल ब्राह्मण एकमात्र ऐसी जाति है जो किसी पार्टी को टिकट मांगने के लिए नहीं जाती है, बाकी क्षत्रिय और वैश्यों को भी ब्राह्मणों के ही पार्टी को टिकट मांगना पड़ता है। जो मांगते हैं टिकट उनको नॉमिनेट करने का अधिकार ब्राह्मणों को मिलता है। तो क्षत्रियों को भी नॉमिनेट करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है, वैश्यों को भी नॉमिनेट करने का अधिकार ब्राह्मणों के पास है। इसका मतलब है कि अंग्रेज जाने के पहले अंग्रेज भारत के वास्तविक शासक वर्ग थे और अंग्रेज जाने के बाद आज के तारीख में भारत का जो शासक वर्ग है वो केवल मात्र ब्राह्मण है। हमारे लोग बहुत बार बोलते बोलते 15% बोलते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं है, मगर महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्टोरियन राजवाड़े राम का जो ब्राह्मण है उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। एक बात कहा उन्होंने कि वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय और वैश्य तो केवल ब्राह्मणों को शासक बनाने में सहायता करते हैं। ये राजवाड़े ने कहा, बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, उसके बराबर का अभी कोई हिस्टोरियन नहीं महाराष्ट्र में, और वो नेशनल लेवल का हिस्टोरियन माना जाता है और सारा जिंदगी इतिहास लिखने का काम किया, केवल एक ही काम किया। दोबारा बताता हूं क्योंकि समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत लगेगी। उसने कहा वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण ही है, क्षत्रिय और वैश्य तो केवल ब्राह्मणों को शासक बनाने में सहायता करते हैं। तो इसलिए जब आप 15% की बात करोगे तो ये समझ कर करना चाहिए कि क्षत्रिय और वैश्य शासक वर्ग नहीं है, वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण है। और अगर वास्तविक शासक वर्ग ब्राह्मण है तो आपको टारगेट करते वक्त 15% नहीं, टारगेट करते वक्त आपको 3.5% को ही करना चाहिए। ये रणनीति की बात भी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अभी सारे देश भर से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा समझा रहा हूं इन बातों को समझना किस तरह से जरूरी है। तो इस तरह से साथियों ये जो बात है इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने संख्या हमारी ज्यादा होने के बावजूद भी जो इलेक्ट्रोरल सिस्टम है वो इलेक्ट्रोरल सिस्टम उन्होंने इस तरह से डेवलप किया, वो इलेक्ट्रोरल सिस्टम उन्होंने अपने लिए सुटेबल बनाया। अगर मान लो कल्पना करो कि भारत में यदि 100% संख्या के अनुपातिक रिप्रेजेंटेटिव प्रणाली प्रोपोर्शनेट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट में रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत अगर संविधान ने लागू किया होता ब्राह्मण का रूट खत्म हो गया होता। मतलब इलेक्ट्रोरल सिस्टम क्या काम कर सकता है वो आपको समझा रहा हूं। दूसरी बात, एक बात है, दूसरी बात राजवाड़े ने क्या कही कि महाराष्ट्र की जो स्थापना है वो स्थापना नाग लोगों ने की, नाग महाराष्ट्र के मूल वतनी लोग नहीं है, महाराष्ट्र सारा जंगली है और ये जो नाग लोग है ये नॉर्थ के लोग है। और सालखन जी आपको मालूम है आपके झारखंड में छोटा नागपुर जो है आपके झारखंड में है, और छोटा नागपुर झारखंड में है इसका मतलब ट्राइब नाग ट्राइब है, जैसे संताली है वैसे नाग भी ट्राइब है। मैं ट्राइब नहीं हूं महाराष्ट्र में मगर मैं नाग हूं, जैसे अभी हमारे एडवोकेट मैडम ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने मामा को जब वो लेटर लिखते थे तो उस समय वो लेटर में जो आप जोहार लिखते हैं ना शिवाजी महाराज अपने मामा को लिखते थे, तो शिवाजी महाराज जो थे वो नाग थे, क्योंकि महाराष्ट्र की स्थापना करने वाले जो लोग हैं वो सारे के सारे नाग लोग हैं। इसलिए
धनगर लोगों के हाथ में जो जानवरों का पालन करते हैं उनका भी राजा हुआ है, तो वो आया कहां से? तो जो पाल वंश है नॉर्थ में, जिनका राज था ये पाल की ही शाखा है धनगर। पाल जो है नागवंशी लोग थे। तो ये इतिहास थोड़ा सा हमको समझना होगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। महात्मा बसवेश्वर जो है स्वामी जी, महात्मा बसवेश्वर की जो बहन है नागाई, उसके नाम में नाग शब्द है। और महात्मा बसवेश्वर का जो बहनोई है उसका नाम है शिवनाग, रायनाग, सिद्धनाग, इसके अंदर नाग का जो शब्द है ये नाग शब्द का अपभ्रंश है, एक ही है। अगर तलवार चलाने का हुनर बसवेश्वर जी के पास था तो वो कोई सीखा हुआ मामला नहीं था, वो हजारों साल से उनके घरों में परंपरा से वो तलवार चलाने का हुनर आया हुआ था। तो इस तरह से मैं ये बातें इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि ये दो कारण हैं। एक कारण है गांधी का पूना पैक्ट है। पूना पैक्ट ने रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम डेवलप किया उसने सारी की सारी बाजू को पूरा का पूरा पलटी मारा, उल्टा किया। हमारी जीती हुई बाजी जो है उसको उल्टा किया, एक बात। दूसरा कारण भी हम लोगों को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जरूरी है क्योंकि साथियों दूसरा कारण है हमारे यहां जो 6000 जाति के टुकड़े हैं, यानी ब्राह्मण क्या करते हैं, संख्या हमारी ज्यादा है तो ब्राह्मण एक साथ दो काम करते हैं, जाति के आधार पर हमको विभाजित करते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के विरोध में लड़ाते हैं, एक जाति को दूसरे जाति के साथ भिड़ाते हैं, ये काम वो लगातार करते रहते हैं। करने के लिए उनके पास पावर होता है, और करने के लिए उनके पास एक पावर होता है, पावर का बंटवारा करने का नाटक करके करवाया जा सकता है, एक संपत्ति होती है, एक पैसा होता है उसका उपयोग करते हैं, एक तीसरा इसमें ब्राह्मण लोग महिलाओं का भी इस्तेमाल करते हैं ये भी देखा गया है। तो वो हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए ऐसा करते हैं। पहली बात तो ये, ब्राह्मण हमारे लोगों को जाति के आधार पर विभाजित करते हैं और विभाजित करके लड़ाई लगाते हैं, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, एक बात। दूसरा, जिन लोगों को वो जाति के आधार पर विभाजित करते हैं उन्हीं लोगों को धर्म के आधार पर इकट्ठा करते हैं। बहुत माइक्रो लेवल की बात है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को वो जाति के आधार पर विभाजित करते हैं, विभाजित करके इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लोगों को धर्म के आधार पर संगठित करते हैं। गर्व से कहो अमिंदु है, धर्म के आधार पर इकट्ठा करते हैं। अच्छा, धर्म के आधार पर इकट्ठा करने से उनका फायदा क्या होता है? क्योंकि हजारों सालों से धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण है, नेतृत्व अपने आप ब्राह्मण के नियंत्रण में आता है। अब नेतृत्व जब ब्राह्मण के नियंत्रण में होता है धर्म का, तो धर्म के संदर्भ में सारे फैसले लेने का अधिकार ब्राह्मण के हाथ में होता है। तो नेतृत्व करने से क्या करने का मौका मिलता है, फैसला करने का अधिकार मिलता है, उससे क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, हमेशा देता रहता हूं, दोबारा बताता हूं क्योंकि ये उदाहरण है, इसलिए समझाने की बात है कि मुर्गियों का सम्मेलन हो रहा था। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि ये मुर्गियों का सम्मेलन मुर्गियों को काटकर खाने वाले लोगों ने लगाया था। जो लोग थे उन्होंने मुर्गियों का सम्मेलन लगाया था जो मुर्गियों को काटकर खाते थे। तो लोगों ने मुर्गियों का सम्मेलन लगाया और लोगों ने मुर्गियों को कहा भाई आपको इस सम्मेलन में रेजोल्यूशन पास करना है, ये प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों ने पूछा कौन सा, तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया कि आपको प्रस्ताव पारित करना है कि आपको कौन से मसाले में तलना है।
महंगा से महंगा मसाला, देसी मसाला, विदेशी मसाला, अमरीकी मसाला, जापानी, जो चाहो, तुम्हारी आजादी है। तुमको कौन से मसाले में तलना है इसमें तुम्हारी आजादी है। तो मुर्गियों ने आपस में सलाह मशवरा किया। एक दो मुर्गियां होशियार थी, होती ही रहती है, कहीं जगह होता है, एक दो लोग रहते हैं। तो एक मुर्गी ने दूसरे मुर्गी को कहा, इसका मतलब है काटना तय है, इसका मतलब है काटना तो तय हो गया है, क्योंकि हमको केवल इतना पूछा गया है कि कौन से मसाले में आपको तलना है ये आपको बताना है, इसका मतलब काटने का तो फैसला हो गया है, काटना तय है। तो दूसरे ने कहा फिर क्या किया जाए, तो कहा एक डेलीगेशन बनाना होगा। तो 10-11 मुर्गियों ने डेलीगेशन तैयार किया और काटकर खाने वाले लोगों के पास डेलीगेशन लेकर गए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने पूछा, क्या बात है, प्रस्ताव पारित हो गया क्या? कहा कि नहीं। तो क्या हुआ? नहीं, हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। तो काटकर खाने वाले लोगों ने बताया, ये तो फैसला कब का हो चुका है, पहले ही हो चुका है, काटने का फैसला पहले ही हो चुका है, केवल कौन से मसाले में तलना है इतना केवल बाकी। जब ब्राह्मण को फैसला करने का अधिकार रहेगा तो काटने का फैसला तो पहले ही हो जाएगा। तो इसलिए जाति के आधार पर जब वो लड़ाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, जिनको लड़ाते हैं उनको ही धर्म के नाम पर इकट्ठा करते हैं। धर्म के तो हजारों साल के ठेकेदार वो खुद ही है, तो स्वाभाविक रूप से धर्म का नेतृत्व करने का अधिकार उनके पास आता है। जब नेतृत्व करने का अधिकार ब्राह्मण के पास आता है तो सोचता थे फैसला करने का अधिकार तो मेरे पास है, मैं जैसे कहूंगा जैसे सोचूंगा वैसे फैसला होगा, तो मुझे धर्म के आधार पर इकट्ठा करने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। क्योंकि जो हिंदू के नाम पर इकट्ठा होगा वो तो ये भी नहीं कहेगा ब्राह्मण को कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, और अगर किसी ने कहा तो बोलेंगे नहीं तो हम तो हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुए, हम तो ओबीसी के नाम पर इकट्ठा हुए ही नहीं है, हम तो हिंदू के नाम पर इकट्ठा हुए, धर्म के नाम पर इकट्ठा हुए। अगर आप जाति के आधार पर गिनती करवाने की बात करोगे तो हिंदू तो बिखर जाएगा, हिंदू टूट जाएगा, हिंदू के टुकड़े हो जाएंगे, और फिर मुसलमान 100-200 साल में संख्या बढ़ जाएगी और 200 साल के बाद मुसलमानों का फिर आप पर राज आ जाएगा। इसलिए आज जो हम लोग तुम्हारा सत्यानाश कर रहे हैं वो ठीक है, 200 साल बाद मुसलमान यही करने वाले हैं जो हम अभी कर रहे हैं। ब्राह्मण हम लोगों को बताते हैं कि 200 साल बाद मुसलमानों का राज आएगा, उसके बाद तुम्हारा सत्यानाश होगा। तो हमारे लोग सोचते हैं अभी हमारा सत्यानाश नहीं हुआ, 200 साल बाद होने वाला है, जबकि सत्यानाश हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया, रिजर्वेशन खत्म हो गया, संविधान जो है को सेट असाइड कर दिया गया, हेगड़े जैसा राज्य मंत्री अदने कद का आदमी जो है वो संविधान के विरोध में बयान दे रहा है, सारी 10-15 करोड़ किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, यानी सारे लोग बहुसंख्यक लोग, हम सारे के सारे बहुसंख्यक लोगों का सत्यानाश हो रहा है, और सत्यानाश हो रहा है वो उनको बोल रहे हैं 200 साल बाद मुसलमान का राज आएगा तो फिर सत्यानाश होगा। अरे तो सत्यानाश तो अभी हो रहा है, अभी के सत्यानाश पर से वो 200 साल बाद वाले नाश की तरफ लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करते हैं और अभी का सत्यानाश थोप देते हैं क्योंकि जागृति नहीं है। और हमारे जैसे लोग जब जागृति कर रहे हैं तो उनको सभा सम्मेलन या मीटिंग करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, बताया नहीं जाता है, अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये इससे प्रमाणित होता है
कि वो जानकारी भी लोगों तक पहुंचने के लिए कई किस्म के अवरोध पैदा करते हैं। तो दो कारण मैंने आपको बताए, एक बात कि पूना पैक्ट ने पॉलिटिकल पावर पूरी तरह से उनके फेवर में कर दिया, उसके लिए जॉइंट इलेक्टेड कारण है, और दूसरा कारण है जाति के आधार पर आपस में लड़ाते हैं, जिसको लड़ाते हैं उसको अपने साथ रखते हैं, जिसके विरोध में लड़ाते हैं उसकी भी पंचायत करते हैं, दोनों को लड़ाते हैं, दोनों को अलग अलग बुलाते हैं और बोलते कि वो तुमसे लड़ रहा है, और उसको कहते हैं कि वो तुमसे लड़ रहा है। पंचायत वो करते हैं, जो लड़ाई लगा रहा है वही पंचायत कर रहा है। पंचायत समझते हो ना, न्याय निवाड़ा। पंचायत का मतलब है जो झगड़ा करने वाले दो लोग हैं वो ब्राह्मण के पास जाते हैं, बोलते पंडित जी हमारा झगड़ा सुलझाओ। साला उसी खुद ही ने लगाया हुआ झगड़ा है, उसको हमारे लोग जाते हैं, बोलते मैं क्यों लगाऊ, मैं क्यों ये झगड़ा मिटाऊ। बोलते आप ही सज्जन आदमी है माए गांव में, दूसरा कोई आदमी तो हमको दिख नहीं रहा है। अच्छा तो आप सज्जन मानते हैं? हाँ मानते हैं, फिर तो कर सकते, क्योंकि वो जो हमारे यहां मराठी में एक शब्द है काड़िया लावने, देहाती भाषा में हमारे मराठी में एक शब्द है काड़िया लावने, तो काड़िया लावण्यासाठी एक टेक्निक आहे, एकांतात लावा लागतात काड्या, दुसऱ्याला माहित नाही झाले पाहिजे, दुसरे लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, वो उसके खिलाफ भड़काता है, वो उसको खिलाफ भड़ाता है, एक ही आदमी करता है। वो इस विषय पर हमारा उत्तर प्रदेश का जो विकास चौधरी है वो बहुत लंबा उस पर भाषण करता है, उसको बहुत ज्यादा जानकारी है इसके बारे में। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये दो कारण हैं, एक पूना पैक्ट ने सारा पावर इक्वेशन चेंज कर दिया, और दूसरा कारण है जाति और जाति के बीच में लड़ाई लगाना, और दूसरा धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए और एक बड़ा कारण है कि मुसलमान को दुश्मन बताना, मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, मुसलमानों ने अस्पृश्यता नहीं बनाई, मुसलमानों ने आदिवासियों का सेग्रीगेशन नहीं किया, मुसलमानों ने महिलाओं को दास नहीं बनाया, जब मुसलमानों ने किया ही नहीं, सारा का सारा ब्राह्मणों ने किया, मगर वो कहते हैं मुसलमानों ने किया। अब चूंकि हमारे लोगों के पास अनपढ़ लोग है, गवार लोग है, जाहिल लोग है, वो तर्क नहीं कर सकते, छानबीन नहीं कर सकते, वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, बल्कि हमारे लोगों को यही पता नहीं है वेरिफिकेशन का क्या मतलब है। कोई भी चीज सत्यापन किए बगैर मानना नहीं चाहिए, ये पता ही नहीं है। ये तो बहुत सारे पत्रकारों को समझ में नहीं आता, बाकी लोगों को तो समझ नहीं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग दिए बगैर समझ में नहीं आता, पुलिस वालों को इसके लिए ट्रेनिंग देना पड़ता है वेरिफिकेशन का, तब जाकर उसको वेरिफिकेशन करना आता है। पत्रकारों को भी वेरिफिकेशन का ट्रेनिंग होता है तब जाकर उनको समझ में आता है, जिनको ट्रेनिंग नहीं उनको समझ में नहीं आता। तो इसलिए ये दो कारण हैं। अगर ये दो कारण हैं तो पहला कारण है गांधी का पूना पैक्ट, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोरल सिस्टम के बारे में हम लोगों को मंथन करना होगा, हम लोगों को इसके बारे में अपने लोगों के अंदर जागरण करना होगा, एक बात। दूसरी बात, जाति और जाति के बीच में जो झगड़ा लगाया जाता है इस झगड़े को खत्म करने का काम, एक काम हमको इस झगड़े को खत्म करने का काम करना होगा, और दूसरा हम लोगों को म्यूचुअल बेनिफिट के सिद्धांत के आधार पर जिसमें सभी लोगों का हित साधन हो, मान लो शेड्यूल कास्ट के लोग अपने हितों की रक्षा करने की बात करें और दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन करें, तो हमारा रिश्ता ईमानदारी पर खड़ा नहीं है। तो हम लोगों को म्यूचुअल बेनिफिट के सिद्धांत पर के संख्या के अनुपात में सभी लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। अगर संख्या के अनुपात में लोगों को अधिकार मिलना चाहिए तो आपस में हमारा झगड़ा खत्म। हमको ऐसे सिद्धांतों को बनाना चाहिए जिससे हमारे बीच के जो झगड़े हैं वो झगड़े खत्म हो, और झगड़े लगाने का काम जो लोग करते हैं वो ब्राह्मण किस तरह से झगड़े लगाते हैं उसकी बातें लोगों के पास ज्यादा विस्तार से समझाना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा, हमारा अपना संगठन बनाना पड़ेगा, हमारा अपना आंदोलन खड़ा करना होगा। हमारा अपना आंदोलन जो है केवल आंदोलन नहीं करना होगा, जन आंदोलन करना होगा,
और जन आंदोलन खड़ा करने के लिए सारे देश भर में कम से कम 15 करोड़ लोगों को तैयार करना होगा, और 15 करोड़ लोगों में शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, नॉमेरिक ट्राइब के लोग, एमबीसी के लोग, ओबीसी के लोग, और उन भी मराठा लोग महाराष्ट्र के रेफरेंस में, और नॉर्थ इंडिया में जाट लोग, गुजरात में पटेल लोग, क्योंकि अभी हार्दिक पटेल को कुछ बातें समझ में आ रही है, और बहुत सारे लोगों को मेरा यूट्यूब देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते उनको समझ में आ रहा है, अमेरिका में बैठे वाले लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो बातें लोगों को समझने आना जरूरी है, समझाया जा रहा है। तो इस तरह से साथियों, अगर हम इस तरह का आंदोलन खड़ा करते हैं, जन आंदोलन खड़ा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक रास्ता है। तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जो अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल छोड़ना होगा, और जो भी लड़ाई लड़ना होगा, मिलजुल कर लड़ना होगा, तो बामसेव भारत मुक्ति मोर्चा के जो लोग हैं, मैं उन लोगों को बामसेव का प्रचार प्रसार, उसकी विचारधारा, भारत मुक्ति मोर्चा का प्रचार प्रसार, उसकी विचारधारा करना ही होगा। मगर इसके अलावा जो छोटे छोटे संगठन तहसील में हो, जिले में हो, ब्लॉक में हो, कमिश्नरी में हो, स्टेट में हो, अब हम लोगों को संगठन चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी जोड़ने का अभियान चलाना होगा। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में बहुजन क्रांति मोर्चा के नाम पर प्रयोग किया, उसमें कई कई लाख लोग इकट्ठा हो रहे थे, तो एक काम हम लोगों को आने वाले समय में बहुजन क्रांति मोर्चा का जो फार्मूला है, ये फार्मूला सारे देश भर में लागू करना होगा। अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें हमने घोषित किया था कि बहुजन क्रांति मोर्चा का कार्यक्रम 2018 में 500 जिलों को प्रभावित करने वाले 100 कमिश्नरियों में 500 जिलों को प्रभावित करने वाले ये 100 कार्यक्रम हम 2018 में करेंगे। अगले साल 2019 में 200 जिले का करेंगे, 20 में 300 का करेंगे, तो ये बढ़ाते बढ़ाते 500 जिलों तक 5-5, 10-10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का काम हम लगातार बढ़ाने का काम करेंगे। एक तो ये 2018 में हमारा ये कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में हमारा जो इश्यू होगा, तो उसमें आरक्षण के इश्यू है, संविधान के अमल के इश्यू है, संविधान में हमारे लोगों को जो अधिकार मिले हो, अमल ना हो रहा है, उसका इश्यू है, और बहुत सारे धर्म के लोगों को हिंदू बनाने का मामला है। तो वो सारे लोग हम लोग इकट्ठा हो करके, पहले तो कम से कम हम इकट्ठा हो जाए समानता को मानने वाले जो धर्म हैं, क्योंकि भारत में दो प्रकार के धर्म हैं, जो एक विषमता को मानने वाले धर्म और असमानता को मानने वाले धर्म और समानता को मानने वाले धर्म। तो समानता को मानने वाले धर्म इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा होकर वो अपने आप को ही मान्यता दे दे, ये ब्राह्मण हमको हिंदू कह रहा है, तो हम रेजोल्यूशन पास करते हैं 6-7 धर्म के लोग के लिंगायत धर्म को हम स्वतंत्र धर्म का दर्जा देने की उनकी मांग स्वीकार करते हैं। सरकार स्वीकारे या ना स्वीकारे, बाद में स्वीकारे, पहले हम स्वीकार कर लेते हैं। क्यों मान साहब, हमको कोई इतराज नहीं है, हम उनकी आजादी स्वीकार कर लेते हैं। और लिंगायत धर्म के लोग, सिखों का धर्म स्वतंत्र धर्म है, वो हिंदू नहीं है, वो हम स्वीकार कर लेते हैं, ब्राह्मण माने या ना माने। जब हम आपस में मान लेते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, इतने सारे लोग मान जाते हैं, तो इनका विरोध करने वाले लोग सिंगल आउट हो जाएंगे। ऐसे हम लोगों को सफलता, यूनाइटेडली सफलता मिलेगी, ऐसा करना होगा। तो हम अगले साल, मतलब ये साल शुरू हो गया है, बहुजन क्रांति मोर्चे के कार्यक्रम सारे देश भर में 365 दिन करेंगे, कम से कम 100 रैलियां करेंगे सारे देश भर में, 500 जिलों को प्रभावित करने वाली लगातार करते रहेंगे। और दूसरा कार्यक्रम हमारा रहेगा, वो है सोशल मीडिया खड़ा करना, कम से कम 3 करोड़ लोगों का। अगर बहुजन क्रांति मोर्चा में 6,000 जाति के बटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम करें, और सोशल मीडिया में इनको इकट्ठा करने का प्रोपोगंडा करें, तो हमारा मीडिया का भी मामला हल हो जाएगा,
हमारा विचार जनता तक पहुंचाने का भी मामला हल हो जाएगा, दोनों मामले हल हो जाएंगे। और दोनों मामले हल होते ही आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा और जन आंदोलन से आपको आजादी मिलेगी। साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को आजादी मिली जन आंदोलन से, और भारत में गांधी को आजादी मिली, हमारे लोगों ने गांधी को समर्थन दिया, हमारे समर्थन की वजह से गांधी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया। अगर हम दूसरों का आंदोलन जन आंदोलन बना सकते हैं, अपना आंदोलन क्यों नहीं बना सकते? अरे जब दूसरों का बना सकते हैं, अपना नहीं बना सकते? जब दूसरों का बना सकते हैं तो अपना भी बना सकते हैं, और इस तरह से हमारा आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ये करना होगा। आप जो देश भर से लोग आए हैं तो आप लोग केवल सुनने का काम ना करें, और आप लोगों को मैं ये नहीं कहता कि हम सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। मेरा सिद्धांत इकट्ठा होना चाहिए का नहीं है। वामन मेचराम का जो सिद्धांत है वो इकट्ठा होना चाहिए का नहीं है, इकट्ठा करना चाहिए। तो इकट्ठा होना चाहिए ये केवल आवाहन है, अपील है। मैं केवल अपील नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसा करने के लिए डे टू डे काम कर रहा हूं। तो आपको भी अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोगों को इकट्ठा हो जाओ। तुम कोई महात्मा हो तुम्हारी बात मान लेंगे? इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो। पहले लोगों को जगाओ, फिर जोड़ो, जोड़कर शक्ति का निर्माण करो, फिर शक्ति का उपयोग करो, तब होगा। ऐसा करोगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आखिरी बात यह है कि हम लोग 267 एकड़ जगह जो है, ये जो भीमा कोरेगांव का जो विजय स्तंभ है, 267 एकड़ जगह, वो हर हालत में सरकार की जिम्मेदारी है, वो दे दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में इसके लिए आंदोलन किया जाएगा। इस सरकार को मैंने दादू कोंडदेव के मुद्दे पर चेतावनी दिया था, तो जिस तारीख को चेतावनी 31 दिसंबर का दिया था तो 27 तारीख को ही उसके पैर काट दिया था। तो मैं ये चेतावनी दे रहा हूं सरकार को, तो हम लोग उसको नहीं मांगेंगे, हम लोग 44,000 गांव में रहने वाले जो हमारे लोग हैं उनको बोलेंगे, आप इकट्ठा हो जाओ, वो अपने आप लागू करेगा। तो ये एक बात है। दूसरी, संभाजी महाराज जो है, तो संभाजी महाराज जो है वो उनकी जो समाधि है वड़ू बुद्रुक में, वो ब्राह्मण मिलिंद एकबोटे के नियंत्रण में, जिनके पूर्वजों ने हमारे महापुरुषों को, राजा को मारा, उसकी समाधि उनके नियंत्रण में, इसलिए वो समाधि उस ब्राह्मण के नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आप इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो? चलो ठीक है, नहीं भी हो तो मैं तो हो ही मैं मैदान में चलना शुरू करूंगा तो आपको तो चलना ही पड़ेगा फिर। तीसरा हमारा मुद्दा है कि ये जो शनवारवाड़ा है, शनवारवाड़ा के सामने बाजीराव पेशवा उसका पुतला खड़ा किया गया है, बराबर सचिन? और वो बाजीराव पेशवा है जिसने मस्तानी के साथ में जो कुछ भी किया उससे बच्चा पैदा हुआ। मस्तानी जो थी वो मुस्लिम थी, उससे बच्चा पैदा हुआ बेटा। तो बाजीराव ने पूना के ब्राह्मणों को कहा, मेरे बेटे को ब्राह्मण मानो? पूना के ब्राह्मण है नहीं मानते, तुम्हारा बेटा है ठीक है, मगर वो उसकी मां मुस्लिम है इसलिए उसको हम ब्राह्मण नहीं मानते। बाजीराव पेशवा ने उनको रिक्वेस्ट किया मगर पूना के ब्राह्मणों ने नहीं माना। फिर बाजीराव पेशवा ने पूना के ब्राह्मण को कहा, जिसका पुतला है, उसने कहा कि महाराष्ट्र के अछूतों के गले में मटका और पीछे अगर मैं खराटा लटका दूं तो क्या तुम मस्तानी का जो बच्चा है उसको ब्राह्मण मानोगे? तो पूना के ब्राह्मण कहा, फिर मानेंगे। तो यह काम बाजीराव ने किया।
जिस बाजीराव ने यह काम किया उसका पुतला शनवारवाड़े के सामने है, है? कुमार, वो पुतला वहां से हटाना होगा। यह हमारी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी नहीं मानोगे तो फिर तो दूसरा रास्ता अपने आप खुलता है। दरवाजा अगर बंद रखोगे तो दूसरा रास्ता तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। इसलिए बाजीराव का पुतला वहां से हटाना होगा। और उसका कारण है, भारत के संविधान में आर्टिकल 17 के अनुसार अस्पृश्यता को नाबूद करने की घोषणा हुई है। अगर अस्पृश्यता को नाबूद करने की घोषणा हुई है तो अस्पृश्यता को बहुत घटिया स्तर तक लागू करने वाला जो आदमी है वो आदमी गौरवशाली कैसे हो सकता है? उसका गौरव कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो उसका पुतला खड़ा करके गौरव करने की जिन्होंने कोशिश की वो अस्पृश्यता का पालन करते। अस्पृश्यता का पालन करना एट्रोसिटीज एक्ट का उल्लंघन माना जाता है, संविधान के 17 आर्टिकल का, 17वें आर्टिकल का भी उल्लंघन माना जाता है। तो हम तो संविधान को अमल करने के लिए बाजीराव का पुतला हटाया जाना चाहिए, ये हमारा कहना है। नहीं करते हो तो फिर हमारे पास तो दूसरे रास्ते हैं, हम अपने दूसरे रास्ते से अपना रास्ता अपनाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके से हम बात कर रहे हैं। ये तीन बातें हैं और ये तीन बातों के लिए हम महाराष्ट्र के 44,000 गांवों में आंदोलन करेंगे और सारे देश भर में बहुजन क्रांति मोर्चा के जो कार्यक्रम हैं वो कार्यक्रम कम से कम 1,00,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5,00,000 लोग 100 कमिश्नरियों में और 500 जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। आज 1 तारीख को 365 दिन का ये कार्यक्रम मैं घोषित करता हूँ और सारे देश भर में इस पर हम लोग अमल करते हैं और अमल करके सारे देश भर में इसको हम लागू करेंगे। आपने मेरी बात